हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एथिक्स। लेक्चर नंबर 2। मैं जो प्रश्न डिस्कस कर रहा हूं उससे आपको ये फायदा होगा कि आंसर को कैसे लिखा जाए ये समझ में आ जाएगा। यह जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं प्रश्न लड़ ही जाए, मिल जाए। ये तफाक होता है कि जो प्रश्न मैं डिस्कस कर रहा हूं वो आपके क्वेश्चन पेपर में मिल जाए, ये तफाक है। लेकिन जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसके आसपास ही रहेगा, और पिछले 6-7-8 महीने में जितने भी इशू हैं, हमेशा मेरी कोशिश ये है उस इशू से जुड़े हुए टॉपिक को डिस्कस करूं जो एथिक्स से जुड़े हुए हैं। पिछली क्लास में मैंने 5-6 क्वेश्चन डिस्कस किया था, आज हम लोग बात कर रहे हैं एक नए क्वेश्चन की। देखो आप, नया प्रश्न क्या है। क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 1। नैतिक दुविधा को उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। उदाहरण के साथ स्पष्ट करें तथा नैतिक दुविधा से बाहर निकलने के लिए उचित मानक का उल्लेख करें। इस प्रश्न को देखो आप, प्रश्न ये है कि नैतिक दुविधा को उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। इसका मतलब ये है कि नैतिक दुविधा के मीनिंग बताने के साथ आपको एग्जाम्पल देना होगा, आपको उदाहरण देना होगा, तथा नैतिक दुविधा से बाहर निकलने के लिए उचित मानक का उल्लेख करें। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि यूपीएससी का प्रश्न टफ नहीं होता। जो प्रश्न पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं आपने उसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा आपने। अंतर सिर्फ ये आ जाता है कि हम किस तरह अपनी बात को प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इस सीखने के लिए निरंतर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मेरी कोशिश है ताकि इस बार जितने लोग मेंस लिख रहे हैं उन्हें कुछ बातें मैं सिखा सकूं। मेरी कोशिश होगी कि एथिक्स में लगभग 60-70 क्वेश्चन में डिस्कस कर सकूं। मानक का आपको करना क्या है, फर्स्ट पैरे में नैतिक दुविधा का अर्थ बताना है। और नैतिक दुविधा का अर्थ क्या होता है, जब दो सिद्धांतों में से किसी एक का चयन करना अत्यंत कठिन हो जाए। जब दो सिद्धांतों में से किसी एक का चयन करना अत्यंत
कठिन हो जाए। ये इथिकल डायलेमा कहते हैं इसे। और इथिकल डायलेमा का अर्थ ये है जब दो सिद्धांतों में से किसी एक का चयन करना अत्यंत कठिन हो जाए। एक बात हमेशा याद रखो, आपको हर एक बात बड़ी स्पष्ट तरीके से सरल शब्दों में कहना है। यहां देखो, आपने इथिकल डायलेमा की मीनिंग बता दी कि जब दो सिद्धांतों में से किसी एक का चयन करना अत्यंत कठिन हो जाए, इसे कहते हैं इथिकल डायलेमा। अब एग्जाम्पल की बात करेंगे हम लोग, उदाहरण की बात करेंगे। हमेशा जानो, जब हम उदाहरण की बात करेंगे तो अक्सर देखा होगा एक कर्मचारी है, उस कर्मचारी ने गोपनीयता की शपथ ली है, और दूसरी बात उसने क्या किया, आरटीआई के तहत सूचना मांगी जा रही है। पूरी बात ध्यान देना इस बात को। ये एग्जाम्पल देखो, एक कर्मचारी है, उसने गोपनीयता की शपथ ली है, डायलेमा, उसने गोपनीयता की शपथ ली लेकिन आरटीआई के तहत सूचना मांगी जा रही है। अब इसके सामने डायलेमा खड़ी हो गई कि गोपनीयता को महत्व दे या आरटीआई को महत्व दे। ये एग्जाम्पल है, इथिकल डायलेमा की बात करूं मैं आपसे। दूसरी बात, एक विद्यार्थी है, कल जो मैंने एग्जाम्पल लिया था आपसे, हमेशा उसे परीक्षा देने जाना है, और दूसरी बात रास्ते में घायल पड़े व्यक्ति की सहायता करनी है। हमेशा ध्यान इस बात को, एक विद्यार्थी है, कैसे इथिकल डायलेमा में फंस गया वो, उसे परीक्षा देने जाना है लेकिन जब एग्जाम देने जाता है तो रास्ते में एक घायल व्यक्ति पड़ा हुआ है, घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाना है, उसकी सहायता करनी है। यदि घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो स्वाभाविक है उसका एग्जाम छूट जाएगा। यदि वो अपने एग्जाम को महत्व देता है तो फिर उस घायल व्यक्ति की सहायता नहीं कर पाएगा, वह इथिकल डायलेमा में फंस गया कि क्या करे और क्या ना करे। ये इथिकल डायलेमा है। आपको अपनी बात बड़े सिंपल भाषा में कह देनी है। आंसर लिखना कितना होता है, हार्डली 150 शब्द या कभी कभी 200 शब्द, और 200 शब्द बहुत कम होते हैं। इतनी बातें कहनी है आपको। अंत में हम सेकंड पैरे की बात करेंगे, और सेकंड पैरे में करना क्या है, सेकंड पैरा कि नैतिक दुविधा से बाहर निकलने के लिए उचित मानक क्या है। नंबर ए, जब हम उचित मानक की बात करेंगे तो हमारी स्थिति थोड़ी सी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मानक क्या है, सबसे पहले हमेशा ध्यान दें इस बात को, मानवीय एवं सार्वजनिक हित को महत्व दिया जाए, मानवीय एवं सार्वजनिक हित को महत्व। इसका अर्थ यह है कि जब आप इथिकल डायलेमा में फंसते हैं तो दो बातें ध्यान देनी है। आप डायलेमा से बाहर निकलने का एक रास्ता ये है कि उस रास्ते का चयन करो जो मानवीय हो, और मानवीय तो तब होगा जब निस्वार्थ की भावना आएगी, मानवीय तो तब होगा जब समाज कल्याण की भावना होगी।
अर्थात समाज कल्याण और निस्वार्थ दायित्व का अनुपालन किया जाए और ऐसी नियमों का पालन किया जाए जो सार्वजनिक हित को प्रमोट करता हो। तो पहली चीज, मानवीय एवं सार्वजनिक हित को महत्व दिया जाना चाहिए। दूसरी चीज, हमेशा ध्यान देने इस बात को। नंबर दो की बात करें, अपने सहकर्मी के हित एवं कानून के अनुपालन में से डायलेमा खड़ा हो गया। नंबर बी, अपने सहकर्मी के हित एवं कानून के में से कानून के पालन को महत्व दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए आपका कोई सहकर्मी है, सहकर्मी का कल्याण करना आपको, लेकिन सहकर्मी का कल्याण करते हो तो कानून की उपेक्षा करनी होगी और कानून को फॉलो करते हो तो सहकर्मी की उपेक्षा हो जाएगी। आपको ये एथिकल डायलेमा का एग्जाम्पल है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लूं, एक केस स्टडी की बात करें, आप मान लिया जाए आप आईएएस हैं, आपके पास एक बूढ़ी महिला आती है, जिसके पास कोई ना तो आधार कार्ड है, ना तो पैन कार्ड है, ना तो राशन कार्ड है, और उसे राशन चाहिए। कानून ये कहता है कि जिसके पास राशन कार्ड है उसे राशन दिया जाए, पर बूढ़ी महिला के पास तो कुछ भी नहीं है, तब तो उसे पीडीएस का लाभ नहीं मिलेगा। इंसान होने के नाते यदि आप प्रशासक हैं तो आम जनता के प्रति संवेदनशील होना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। यदि आप बूढ़ी महिला की सहायता करते हो, इस राशन उपलब्ध कराते हो, तो आप कानून का उल्लंघन कर रहे हो। और कानून ये कहता है कि जिसके पास राशन कार्ड है उसे राशन देना चाहिए, पर इस बूढ़ी महिला के पास राशन तो है ही नहीं। मान लिया जाए यदि आप कानून को फॉलो करते हो तो इस महिला की उपेक्षा हो जाएगी, इस महिला की सहायता करना चाहते हो तो कानून की उपेक्षा हो जाएगी। ये एथिकल डायलेमा है। और जब आप इथिकल डायलेमा में फंसो तो आपको कानून के पालन को महत्व देना चाहिए, क्योंकि हमेशा हमारे यहां विधि का शासन है। और सबसे बड़ी चीज तो यह है कि कानून की बात हर हाल में करनी होगी। तीसरी चीज हम बात करेंगे, जब आप डायलेमा में फंसो तो बाहर निकलने का रास्ता क्या आपके पास। नंबर सी की बात करें, जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों से सुसंगत हो उसका चयन किया जाए। संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक उसका चयन किया जाए। ये बात हमेशा ध्यान देना, संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक मूल्यों से सुसंगत हो उसका चयन किया जाना चाहिए। नंबर डी की बात करें, यह मानक है। इसका अर्थ यही है, संवैधानिक मूल्य और लोकतांत्रिक मूल्य ही हमारे इथिकल डायलेमा से निकलने का बेहतरीन रास्ता है। अब देखो डी की बात करें, जब इथिकल डायलेमा से निकलना हो तो एक बात ध्यान देना, समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, सतत विकास के अनुरूप हो उसका चयन करना चाहिए। समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, सतत विकास के अनुरूप नियम का पालन। अर्थात जब आप इथिकल डायलेमा में फंस गए तो निकलने का एक रास्ता यही है कि आप जो नियम
समावेशी विकास को प्रमोट करता हो, सोशल जस्टिस को प्रमोट करता हो, सतत विकास के अनुरूप हो, आप उसका चयन करो। और उसका चयन करना भी चाहिए। नंबर सी, हम नंबर डी की बात, नंबर डी की बात करें, सबसे बेहतरीन अपने इंट्यूशन से पूछो, अपने अंतःप्रज्ञा की आवाज सुननी चाहिए। अब मैंने ये कहा इंट्यूशन कभी झूठ नहीं बोलता, कंसाइंस की आवाज सुननी चाहिए, अपने अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। स्वयं से पूछो कि क्या सही है और किस क्या गलत है। जैसे एक ड्रिंकर फादर है, मान लीजिए आपके फादर ड्रिंकर हैं, पर यदि इंट्यूशन से पूछेंगे तो उनका इंट्यूशन कहता है कि ड्रिंक करना गलत है, पर वो आदत से मजबूर है। इस हर ड्रिंक करने वाला फादर यही चाहता है कि उसका पुत्र शराब का सेवन ना करे। हमेशा अपने अंतरात्मा से पूछना चाहिए। और उसकी आवाज सुननी चाहिए। मान लिया जाए ये डायलेमा की हम बात करें, सबसे बड़ी चीज तो यही है, कई बार जब आप किसी कदम का, किसी रास्ते का चयन करते हो तो ये देखो कि क्या उस रास्ते का चयन करने से आपको सामाजिक सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उस रास्ते का चयन करना चाहिए जिससे आपके सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। चयन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। ध्यान से सुनो इस बात को, हमें उस मार्ग का चयन करना चाहिए, हमें उस मार्ग का, उस रास्ते का चयन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। अंत में देखा जाए महात्मा गांधी का अस्त्र या मंत्र को हमेशा याद रखो। महात्मा गांधी ने कहा है जब कोई कदम उठाओ तो ये देख लो कि आपके द्वारा उठाए गए कदम का प्रभाव निचले पैदान पर खड़े व्यक्ति पर कैसा पड़ता है, और सामाजिक क्षति, समाज को किस अनुपात में क्षति पहुंचेगी। मतलब कदम उठाने से पहले यह देखना होगा कि उस कदम का प्रभाव समाज के निचले पैदान पर खड़े व्यक्ति पर कैसा पड़ता है। ये नंबर जी की बात करें, हमेशा ध्यान, जब किसी कदम को उठाते हो तो कदम उठाने से पहले यह देखना होगा कि उस कदम का प्रभाव समाज के निचले पैदान पर खड़े व्यक्ति पर कैसा पड़ता है। ये इथिकल डायलेमा से बचने का रास्ता है। आप सोचो जरा, आप ये सारी बातें करने के बाद अब हम निष्कर्ष में आएंगे और निष्कर्ष में ये बात करेंगे। वस्तुतः व्यक्ति और प्रशासक सभी लोग नैतिक दुविधा का सामना करते हैं, और एक बेहतरीन प्रशासक कहा जाता है, बेहतरीन प्रशासक नैतिक दुविधा से निकलकर समाज और राष्ट्र को विकास के पथ पर ले जाता है। दूसरी चीज, हमेशा यदि आप नैतिक हो तो आप उन रास्तों का चयन करोगे जो रास्ते समाज के विकास की ओर जाते हैं। यह हमारा निष्कर्ष होगा। हमेशा ध्यान दें इस बात को,
कहा जाता है सामाजिक एवं प्रशासनिक स्तर पर नैतिक दुविधा खड़ी होती है और बेहतर प्रशासक उन दुविधाओं से निकलने के लिए अपने इंट्यूशन का सहारा लेता है, निकलने के लिए संविधान एवं अपने अंतःप्रज्ञा का सहारा लेता है, इंट्यूशन का सहारा लेता है, कंसाइंस का सहारा लेता है। आंसर क्लोज, इतनी बात लिखनी है, पर निष्कर्ष हार्डली आपका 10 शब्द में होना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा हम लिख भी नहीं पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आप, निष्कर्ष न, क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप। देखो आप क्वेश्चन नंबर 2, निंदक नेरे राखियों को नैतिक माना जाता है, निंदक नेरे राखिए को नैतिक माना जाता है, किंतु समाज में आलोचना के प्रति नकारात्मक सोच है। सोच है, कारण स्पष्ट करें। इस प्रश्न को देखो आप, निंदक नेरे राखिए को नैतिक माना जाता है। इसी प्रश्न को कई बार पूछ सकता है कि एक सहिष्णु या बौद्धिक समाज में निंदा की अनुमति होती है। इसी प्रश्न को कई बार पूछा जा सकता है कि आलोचना समाज को विकास के पथ पर ले जाता है, या इसी प्रश्न को इस तरह पूछा जा सकता है कि आलोचना के प्रति नकारात्मक सोच समाज के पतन का कारण बनता है। आलोचना के प्रति नकारात्मक सोच समाज के पतन का कारण बनता है। स्पष्ट करें या टिप्पणी करें, कुछ भी पूछा जा सकता है। कारण ये है कि अक्सर देखा होगा कि जब हम आलोचना करते हैं, कुछ लोग आलोचना को पसंद नहीं करते। आंसर कैसे चलेगा? अब फर्स्ट पैने में क्या लिखेंगे? निंदक नियरे राखिए को नैतिक माना जाता है, क्यों माना जाता है? क्योंकि निंदा से अहम दूर, समाज अपनी कमियों को दूर करता है, वैचारिक सहिष्णुता का विकास होता है, हमेशा ध्यान दो। एक तरफ निंदा से अहम दूर होता है, कबीरदास ने क्या कहा, समाज अपनी कमियों को दूर करता है,
वैचारिक सहिष्णुता का विकास होता है। प्रशासनिक स्तर की बात करें, यदि प्रशासनिक स्तर पे भी निंदा की बात की जाती है, एक तो समाज की बात करेंगे हम लोग कि निंदक निरीराखियों को नैतिक माना जाता है, क्योंकि निंदा से ईगो दूर होता है, समाज या व्यक्ति अपनी कमियों को दूर करता है, वैचारिक सहिष्णुता का विकास होता है, निरंतर मूल्यों का विकास होता है। आप सोचो प्रशासनिक स्तर पर क्या होता है, यदि निंदा की अनुमति दी जाती है तो प्रशासनिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली चीज, हमेशा प्रशासन में जवाबदेहिता उत्तरदायित्व का विकास होता है। ए, प्रशासन में जवाबदेहिता एवं उत्तरदायित्व का विकास। नंबर दो, इंटरेक्शन बढ़ जाता है प्रशासक एवं जनता के बीच, अंतर क्रिया को बल मिलेगा। मैं यहां लिख रहा हूं, नंबर सी की बात करें हम लोग, प्रशासन में संवेदनशीलता का विकास। तथा जनता को प्रथम मानने की भावना का विकास होता है। तीसरी चीज, प्रशासन में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, क्यों नैतिक माना जाता है, प्रशासनिक स्तर पर क्या फायदा होता है, प्रशासन में जवाबदेहिता आती है और उत्तरदायित्व का विकास होता है, प्रशासक एवं जनता के बीच इंट्रैक्शन को बल मिलता है, इंट्रैक्शन बढ़ता है। सी, प्रशासन में संवेदनशीलता का विकास, अर्थात प्रशासक संवेदनशील बनता है, तथा जनता को पीपुल फर्स्ट की भावना का विकास होता है, प्रशासन में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का विकास होता है। ये कितना फायदा, सोचो आप जरा। चीज तो ये है। दूसरी बात करें हम लोग, एक तो प्रशासन में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, यह प्रशासनिक स्तर पर आलोचना का ये प्रभाव होता है। यदि हम राजनीतिक स्तर की बात करें, राजनीतिक स्तर पर होता क्या है, हमेशा देखा जाए चीज, राजनीतिक स्तर पर क्या होगा, मतलब राजनीतिक स्तर पर यदि आलोचना का अनुमत है तो फायदा क्या होगा, हमेशा ध्यान दो। पहली चीज, जो राजनीति है उसमें शुचिता का समावेश, राजनीति में शुचिता का समावेश, पवित्रता का समावेश होगा, राजनीति लोक कल्याण का साधन बनेगी। राजनीतिक भ्रष्टाचार में कमी होगी, और एक सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये वादे को पूरा करने की कोशिश, पूरी बात ध्यान दो, राजनीतिक स्तर पर होता क्या है, राजनीति में शुचिता का समावेश होगा, राजनीति लोक कल्याण का साधन बन जाएगी,
राजनीतिक भ्रष्टाचार में कमी आएगी, किए गए वादे को पूरा करने की कोशिश करेंगे राजनेता। सामाजिक स्तर पर इसका क्या फायदा होता है? सामाजिक स्तर पर फायदा क्या होता है? यदि सामाजिक स्तर पर आलोचना की अनुमति दी जाती है तो फायदा क्या होगा? समाज, हमेशा ध्यान दो, समाज होगा क्या? समाज में रूढ़िवादी मूल्यों को प्रोत्साहन मिलेगा, सॉरी समाज में समाज प्रगतिशील बनेगा। तथा आधुनिक मूल्यों का समावेश होगा, सामाजिक सहिष्णुता का विकास होगा, सामाजिक रीति रिवाजों का निष्पक्ष विश्लेषण, रीति रिवाजों का निष्पक्ष विश्लेषण होगा। प्रशासनिक स्तर पर क्या फायदा होगा? सामाजिक स्तर पर क्या फायदा होगा? व्यक्तिगत स्तर पर क्या फायदा होगा? राजनीतिक स्तर पर आलोचना की अनुमति दी गई तो क्या फायदा होगा? इसलिए हमेशा ध्यान दो, यह फर्स्ट पैरा। हम सेकेंड पैरे में आएंगे, सेकेंड पैरे में, और लिखेंगे इसलिए। आधुनिक समाज में हमेशा आधुनिक समाज में आलोचना की अनुमति होती है। स्वस्थ आलोचना तथा लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष की वकालत की जाती है। पूरी बात ध्यान दें, इसलिए आधुनिक समाज में स्वस्थ आलोचना की अनुमति होती है तथा लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष की वकालत की जाती है। ये सेकेंड पैरा। अब हम थर्ड पैरे में आएंगे। एग्जाम में हार्डली 150 से लेकर 150 से लेकर 200 वर्ड्स में आंसर लिखना है। हर बात को आपको टू द पॉइंट कहना है। अब मान लिया जाए हम थर्ड पैरे की बात करते हैं, थर्ड पैरे में क्या होगा? किंतु समाज में आलोचना के प्रति नकारात्मक सोच है, आलोचना के प्रति नकारात्मक सोच है। क्योंकि अब एक चीज सोचो, आखिर आलोचना के प्रति ये नकारात्मक सोच क्यों है? रीजन क्या है? लोगों के अंदर विनम्रता का अभाव है और लोग आत्ममुग्धता के शिकार हैं। क्योंकि नंबर वन, लोगों के अंदर तथा लोग आत्म शिकार है। ध्यान देना, लोगों के अंदर विनम्रता है ही नहीं, लोग हम्बल नहीं हैं, हम्बलनेस का अभाव है और लोग आत्म मुग्धता के शिकार हैं। पहला पॉइंट, एक सबसे बड़ी कमी तो ये है। दूसरे पॉइंट की बात करें, निंदक को सदैव प्रतिस्पर्धी के रूप में देखा जाता है।
सदैव प्रतिस्पर्धी के रूप में देखा जाता है। जब हम निंदक को प्रतिस्पर्धी के रूप में देखेंगे तो स्वाभाविक है निंदक की आलोचना होगी या उस निंदक की उपेक्षा होगी। तीसरी से देखो, प्रत्येक व्यक्ति आत्म केंद्रित होता जा रहा है और विकास को भौतिक विकास के रूप में देखा जा रहा है। नंबर 3 की बात करें हम लोग, नंबर 3, प्रत्येक व्यक्ति आत्म केंद्रित होता जा रहा है और विकास को केवल भौतिक विकास के रूप में देख रहा है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये जो प्रत्येक व्यक्ति है आत्म केंद्रित होता जा रहा है और विकास को केवल भौतिक विकास के रूप में देख रहा है। अगली चीज, मूल्यांकन का जो आधार है भौतिक संसाधन बन चुका है और वह स्वयं अपना मूल्यांकन अपने द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर करता है। नंबर 4, मूल्यांकन का आधार भौतिक संसाधन बन चुका है का आधार भौतिक संसाधन बन चुका है और मूल्यांकन स्वयं द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। नंबर 4, चौथा पॉइंट क्या है, जो मूल्यांकन का आधार है भौतिक संसाधन बन चुका है। मतलब नैतिकता के आधार पे, मूल्यों के आधार पे व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं होता, बल्कि व्यक्ति अपना मूल्यांकन कैसे कर रहा है, भौतिक संसाधनों के आधार पे और स्वयं द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। नंबर 5 की बात करें, सुधारात्मक रवैया कम है। हमेशा नंबर 5, निंदक के अंदर स्वार्थ, और नंबर 6 की बात करें, कम तथा परिवर्तन का विरोध किया जाता है। देखो आप, निंदक नेरे राखियों को नैतिक माना जाता है, किंतु समाज में आलोचना के प्रति नकारात्मक सोच है कारण से। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अक्सर देखा होगा कि इस समय पिछले 1 साल से लगातार प्रश्न उठाया जा रहा है कि सरकार आलोचना को पसंद नहीं करती। हमेशा जो भी सरकार की आलोचना करता है, सरकार उसकी आवाज को दबाने की कोशिश करती है। प्रशासक भी नहीं चाहता कि आलोचना हो, तो निंदक के अंदर स्वार्थ है। और दूसरी चीज, सुधारात्मक रवैया कम तथा परिवर्तन का विरोध किया जाता है। ये देखो आप, हमेशा ये सारी बातें करने के बाद अब हम आएंगे निष्कर्ष में, और निष्कर्ष में केवल एक लाइन लिखेंगे। चौथे पैरे में निष्कर्ष, और निष्कर्ष में इतनी बात करेंगे, वस्तुतः स्वस्थ आलोचना समाज
और राष्ट्र के विकास की प्रवृत्ति शर्त है। राष्ट्र और समाज के एवं व्यक्ति के विकास की प्राथमिक शर्त है। इसलिए कबीर दास ने यह कहा कि निंदक नेरे राखिए, हमेशा वस्तुतः स्वस्थ आलोचना राष्ट्र समाज एवं व्यक्ति के विकास की प्राथमिक शर्त है। इसलिए कबीर दास ने यह कहा कि निंदक नियरे राखिए। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, इसी प्रश्न को यूपीएससी कैसे ट्विस्ट करेगा, इसी प्रश्न को यूपीएससी इस तरह पूछेगा, इसी प्रश्न को कि आलोचना समाज राष्ट्र के विकास की प्रवृत्ति शर्त है। आलोचना समाज एवं राष्ट्र के विकास की प्रवृत्ति शर्त है, फिर भी आलोचना के प्रति नकारात्मक सोच है। हमेशा कारण स्पष्ट करें, एक चीज ध्यान देना, आलोचना समाज और राष्ट्र के विकास की प्रवृत्ति शर्त है। इसी प्रश्न को विकास की प्रवृत्ति शर्त है, फिर भी आलोचना के प्रति नकारात्मक सोच है, आपको करना क्या है? फर्स्ट पैरे में यह बताना है, फर्स्ट पैरे में आलोचना समाज एवं राष्ट्र के विकास की प्रवृत्ति शर्त है। क्यों? जैसे ध्यान दो इस बात को, समाज के विकास में इसकी क्या भूमिका होती है, हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि समाज को कैसे डायनेमिक बनाता है, डायनेमिक कैसे बनाता है हमेशा। दूसरी चीज, आलोचना के भाव में समाज कंजर्वेटिव बन जाएगा और जड़ बन जाएगा। दूसरी चीज देखो आप, समाज में आधुनिक मूल्यों का समावेश कैसे होता है और जितने भी सामाजिक रीति रिवाज हैं, आलोचना के कारण उन रीति रिवाजों का निष्पक्ष विश्लेषण होता है, गलत कुरीतियां समाप्त होती हैं, सामाजिक सुधार के लिए समाज तैयार होता है, निरंतर समाज आधुनिक बनता चला जाता है। आलोचना, जो समाज आलोचना को पसंद नहीं करता वो समाज जड़ बन जाता है हमेशा, और जब समाज जड़ बन जाएगा तो समाज रूढ़िवादी बन जाता है, कंजर्वेटिव बन जाता है वो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया आपसे, जो जैन सोसाइटी है या ईसाई सोसाइटी है वो बहुत रेशनल है, एजुकेशन ज्यादा होने से आलोचना, स्वस्थ आलोचना की अनुमति दी जाती है, इसलिए ये सोसाइटी ज्यादा डायनेमिक है। लेकिन जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज में एक तो शिक्षा का अभाव है और दूसरी तरफ आलोचना की अनुमति नहीं दी जाती। इसे देखा जाता है कि मुस्लिम समाज जड़ है, वहां रूढ़िवादिता ज्यादा है, वहां सामाजिक कुरीतियां ज्यादा है। हमेशा ध्यान दो, जैसे सारी समाज डायनेमिक है, ग्रामीण समाज कंजर्वेटिव है, क्योंकि सारी समाज में जो अर्बन सोसाइटी है
अर्बन सोसाइटी में आलोचना की अनुमति होती है, पर रूरल सोसाइटी में, ग्रामीण समाज में आलोचना की अनुमति नहीं होती। दूसरी चीज, राष्ट्र का विकास कब होगा? जब प्रशासनिक विकास होगा। और प्रशासनिक विकास कब होगा? जब प्रशासन संवेदनशील हो, संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हो, हमारी सरकार संवैधानिक सरकार हो। और यह कब होगा? जब प्रशासन में आलोचना की अनुमति होगी। ये सारी बातें करने के बाद फिर भी आलोचना के प्रति नकारात्मक सोच है, आखिर क्यों है इतनी बातें? इसी प्रश्न को कैसे यूपीएससी ट्विस्ट कर सकता है? देखो आप, इसी प्रश्न को यूपीएससी कैसे पूछ सकता है? कैसे कि आलोचना के प्रति नकारात्मक सोच समाज को गर्त में ले जाता है। फिर भी हमेशा फिर भी आलोचना की अनुमति कम दी जाती है। स्पष्ट करें, गर्त में क्यों ले जाएगा? जिस समाज में स्वस्थ आलोचना का अनुमति नहीं है, याद है, वो समाज कंजर्वेटिव बन जाएगा, वो समाज जड़ बन जाता है। मैंने क्या कहा, कुछ ऐसी सोसाइटी है जो ज्यादा आधुनिक है, एजुकेटेड सोसाइटी ज्यादा मॉडर्न है, क्योंकि एजुकेटेड सोसाइटी में आलोचना का अनुमति होती है। पर रूरल सोसाइटी में या अनएजुकेटेड सोसाइटी में आलोचना का अनुमति नहीं होती। हमेशा ध्यान दो, हमारा जो धर्म है वो जड़ है, हमारा जो धर्म है रिलीजन है, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाइत हो, ये जो धर्म है ये जड़ है। और कई बार ये धर्म विकास में बाधक बन जाता है। आखिर विकास में बाधक क्यों बनता है? क्योंकि धर्म एक ऐसा विषय है जहां आलोचना का अनुमति नहीं होती। क्योंकि धर्म में, धर्म तो आस्था का प्रतीक है। हमने मान लिया भगवान राम कृष्ण है, हमने मान लिया कि मोहम्मद पैगंबर साहब हुए थे, ये ईसा मसीह थे, हम सब ने मान लिया। हमने ये भी मान लिया मोहम्मद पैगंबर साहब अल्लाह के दूत थे, ये भी मान लिया। और धर्म पर कमेंट करना धर्म की आलोचना करना है। इसलिए धार्मिक सुधार नहीं हो पाया। बेशक जिस अनुपात में सामाजिक सुधार हुआ, उस अनुपात में धार्मिक सुधार हो ही नहीं पाया। और जब धार्मिक सुधार बाधित होता है, धार्मिक सुधार जब बाधित होता है, तुम्हारा धर्म जड़ बन जाता है। हमेशा धर्म में अनेक कुरीतियां जन्म लेती हैं। लोग क्या कर रहे हैं, उसे उस पर आस्था रखते हैं और लगातार उसे मानते चले आ रहे हैं। इस तरह के प्रश्न भी पूछा जा सकता है, समाज को गर्त में ले जाता तो कैसे ले जाता है? जब आलोचना के प्रति नकारात्मक सोच का मतलब यह कि आलोचना का अनुमति ना हो, और जब आलोचना की अनुमति नहीं होगी तो समाज गर्त में जाएगा, क्योंकि समाज कंजर्वेटिव बन जाएगा, समाज में आधुनिक मूल्यों का समावेश नहीं हो पाएगा, समाज में जितने भी रीति रिवाज हैं उनका निष्पक्ष विश्लेषण नहीं होगा, हम उसे सही मान के चलेंगे। परिणामतः समाज में जाति, धार्मिक और लैंगिक भेदभाव बना रहेगा, सोशल एम्पावरमेंट बाधित होगा। जैसे हम इस तरह कर सकते हैं कि आलोचना के प्रति नकारात्मक सोच समाज को गर्त में ले जाता है। कैसे गर्त में ले जाता है? दो चीज, जब आलोचना का अभाव होगा तो स्वाभाविक है समाज में रूढ़ियां आएंगी। हमेशा ध्यान दें इस बात को, समाज के रीत रिवाज का निष्पक्ष विश्लेषण
नहीं हो पाएगा। पूरी बात ध्यान, समाज में रूढ़ी आएंगी, समाज के रीति रिवाज का निष्पक्ष विश्लेषण नहीं हो पाएगा। समाज में क्या होगा, सर चीज सहिष्णुता का विकास नहीं होगा। विकास नहीं हो पाएगा। अब देखो, आप जब समाज में सहिष्णुता टॉलरेंस का विकास नहीं हो पाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा? हमेशा समाज में रूढ़ियां आएंगी, समाज के रीति रिवाज का निष्पक्ष विश्लेषण नहीं हो पाएगा, समाज में सहिष्णुता का विकास नहीं हो पाएगा। और अंत में देखा जाए, सबसे बड़ी चीज तो ये है चीज कि हम मान लेंगे कि जो सामाजिक परंपराएं हैं वह क्या होंगी। अब एक चीज यहां व्युत्त को आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल की बात किया, हमेशा ध्यान दो इस बात को कि एजुकेटेड सोसाइटी में आधुनिक मूल्यों का समावेश ज्यादा होता है, क्योंकि एजुकेटेड सोसाइटी में आलोचना की अनुमति होती है। मुस्लिम समाज में आलोचना की अनुमति नहीं होती, धार्मिक समाज में आलोचना की अनुमति नहीं होती, इसे धार्मिक समाज रूढ़िवादी होता है। एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है, आखिर जैन सोसाइटी या हम बात करें ईसाई सोसाइटी, पूरा यूरोप ईसाई है, वो ज्यादा मॉडर्न है, वो एजुकेटेड है। अब आलोचना की अनुमति नहीं दी जाती, क्यों नहीं दी जाती ये हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। अगला ध्यान दो इस बात को, अगला क्वेश्चन देखो आप कि कुछ लोग अंतःकरण की आवाज नहीं सुन पाते। क्वेश्चन देखो आप, अगला प्रश्न देखो आप, कुछ लोग अंतःकरण की आवाज नहीं सुनते हैं। की आवाज अंतःकरण की आवाज सुनने के लिए आप क्या सुझाव देना पसंद करेंगे? आवाज सुनने के लिए आप क्या सुझाव देना पसंद करेंगे? ये एक सिंपल प्रश्न देखो आप, हमेशा ध्यान दो इस बात को अंतःकरण की आवाज नहीं सुनते। अंतःकरण की आवाज क्या है? इंट्यूशन की आवाज, अंतरात्मा की आवाज है। इंट्यूशन की आवाज अंतरात्मा की आवाज जो उचित एवं अनुचित के संदर्भ में निर्णय लेती है। आप फर्स्ट पैरे में ये देखो आप, आपको करना क्या है फर्स्ट पैरे में? आवाज का अर्थ बताना है। इसका मतलब ये है अंतरात्मा की आवाज जो उचित एवं हमेशा अंतरात्मा की आवाज जो उचित एवं अनुचित के संदर्भ में
निर्णय लेती है, उसे इंट्यूशन की आवाज कहते हैं। कॉल ऑफ कंसाइंस अंतःकरण की आवाज, मतलब अंतरात्मा की आवाज, अपने इंट्यूशन की आवाज जो उचित तो अनुचित के संदर्भ में निर्णय लेती है, क्या सही है क्या गलत है। सिंपल चीजें जो विवेक के अनुसार निर्णय होता है, विवेक के अनुसार जो निर्णय होता है और जो उचित अनुचित के संदर्भ में निर्णय लेती है, उसे कहते हैं अंतःकरण की आवाज कहते हैं उसे। एक तरह से यह कहा जाए कि अंतःकरण की आवाज एक तरह से कॉल ऑफ कंसाइंस विवेक की आवाज होती है। ये हम सेकंड पैर में आएंगे, अंतःकरण की आवाज नहीं सुनते कुछ लोग। कुछ लोग इंट्यूशन की आवाज क्यों नहीं सुनते, अपने विवेक की आवाज क्यों नहीं सुनते। कई बार यूपीएससी पूछता है कि अंतःकरण का संकट क्या है, द क्राइसिस ऑफ कंसाइंस ये द क्राइसिस ऑफ इंट्यूशन की हम बात करें। कई बार कुछ लोग अंतःकरण की आवाज नहीं सुनते हैं, क्यों नहीं सुनते हैं, उसके बाद रीजन क्या है। पहला तो रीजन ये है, हमेशा ध्यान दो इस बात को, भौतिक इच्छा और अंतःकरण के बीच संघर्ष की स्थिति में भौतिक इच्छा को महत्व देते हैं। भौतिक इच्छा एवं अंतःकरण के बीच संघर्ष की स्थिति में भौतिक इच्छा को महत्व देना, पहला रीजन। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे बड़ा मकान चाहिए। हमेशा ध्यान दें इस बात को। इंट्यूशन कहता ये चाहिए, हमारी इच्छाएं कुछ और है, इंट्यूशन कुछ और है। जैसे मैंने क्या कहा, मन कहता है शराब पी लो, इंट्यूशन कहता है शराब पीना बुरी चीज है। लेकिन हम अपनी इच्छा को अत्यधिक महत्व देते हैं और इंट्यूशन की आवाज को इग्नोर कर देते हैं। तो पहला पॉइंट, भौतिक इच्छा एवं अंतःकरण के बीच संघर्ष की स्थिति में हम भौतिक इच्छा को महत्व देते हैं, पहला रीजन। हम दूसरी चीज बात करें, दूसरा पॉइंट, प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामाजिक पहचान चाहता है, इसके लिए सामाजिक मानकों का अनुपालन करता है। ऐसे कभी कभी क्या होता है, सामाजिक मानक एवं अंतःकरण की आवाज के बीच संघर्ष की स्थिति में व्यक्ति सामाजिक मानकों को महत्व देता है। हमेशा ध्यान इस बात को। कई बार होता क्या है, व्यक्ति अपनी सामाजिक पहचान चाहता है, और इसके लिए समाज द्वारा निर्धारित मानकों का पालन आवश्यक है। जैसे छोटे से एग्जाम्पल दो, नॉर्थ इंडिया में क्या है, भारतीय समाज में, कि यदि दहेज मिलता है तो आपका सम्मान ज्यादा है, दहेज नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये है कि आपकी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए दहेज लेता है, ये उसकी पहचान है कि समाज ने ये डिसाइड कर दिया है हमेशा। लेकिन इंट्यूशन कहता है कि दहेज लेना गलत है। लेकिन जब इंट्यूशन की आवाज और सामाजिक पहचान के क्लैश होता है, तब सामाजिक पहचान को महत्व देते हैं, इंट्यूशन की आवाज को इग्नोर कर देते हैं। किंतु सामाजिक पहचान एवं अंतःकरण की
आवाज के बीच संघर्ष में सामाजिक पहचान को महत्व दिया जाता है। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। मैंने क्या कहा कि व्यक्ति अपनी सामाजिक पहचान चाहता है। जैसे मैं दहेज प्रथा का एग्जांपल लिया, आप इंट्यूशन कहता है कि अंतर जाति विवाह करना चाहिए, जातिवाद गलत है, पर सामाजिक पहचान क्या है कि यदि आपने इंटरकास्ट मैरिज किया तो आपको समाज से अलग कर दिया जाएगा, एक तरह से आपका सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा। हम उसे बचना चाहते हैं, इसलिए समाज द्वारा निर्धारित मानकों का हम करते क्या है, पालन करते हैं। तो जब इंट्यूशन की आवाज और सामाजिक पहचान के बीच जब एक क्लैश होता है तो हम किसको महत्व देते हैं, सामाजिक पहचान को, इंट्यूशन की आवाज को इग्नोर कर देते हैं। जिसे मैंने एग्जांपल दिया आपको दहेज प्रथा का, एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को। नंबर तीन की बात करें, नंबर तीन, हम अंतःकरण की आवाज क्यों नहीं सुनते। अंतःकरण की आवाज व्यक्ति को नैतिक मार्ग क्यों ले जाती है जिसका अनुपालन कठिन है। नंबर तीन, अंतःकरण की आवाज व्यक्ति को नैतिक नैतिक मार्ग की ओर ले जाती है जिसका पालन कठिन है। जैसे एग्जाम्पल दो आपसे, इंट्यूशन कहता है कि यदि आपने झूठ बोला तो एक्सेप्ट कर लो, फिर भी हम झूठ को एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ मैंने झूठ बोला है, हम एक्सेप्ट करते ही नहीं। सोचो जरा, इंट्यूशन कहता है झूठ को एक्सेप्ट करो और कहा जाता है अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सबसे साहस का काम है, और लोग इतने साहसी नहीं हैं कि गलतियों को एक्सेप्ट करें। इसे एक झूठ को छिपाने के लिए हम 100 झूठ बोलते हैं। नंबर हम चार की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को। नंबर चार की हम बात, होता क्या है जब अंतःकरण की आवाज सुनने से निजी हित पर चोट पहुंचती है तो हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं। कि आवाज सुनने से निजी पहुंचती है तो उसकी उपेक्षा जैसे एक एग्जांपल दूं, इंट्यूशन की आवाज जब सुनने से निजी हित पर चोट पहुंचती है, फॉर एग्जांपल मान लिया जाए मुझे दहेज में 1 करोड़ रुपया मिल रहा है, 1 करोड़ रुपया दहेज में, मुझे लगता है कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा, पर इंट्यूशन कहता है कि दहेज लेना गलत है। या इंट्यूशन की आवाज, यदि मैंने इंट्यूशन की आवाज सुनी तो मेरे निजी हितों पर चोट पहुंचेगी, परिणाम क्या होगा, मैं निजी हित को महत्व दूंगा और इंट्यूशन की आवाज को इग्नोर कर दूंगा मैं। यही होता है, अंतःकरण की आवाज सुनने से निजी हित पर चोट पहुंचती है तो हम इंट्यूशन की आवाज को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो दो महत्वपूर्ण पॉइंट देखो जरा, कि इंट्यूशन की आवाज व्यक्ति को नैतिक मार्ग की ओर ले जाती है जिसका पालन कठिन है, और इंट्यूशन की आवाज सुनने से निजी हितों पर चोट पहुंचती है। अंत में देखा जाए, देखो होता क्या है, व्यक्ति अप्रमाणिक जीवन जीने का अंतःकरण की आवाज को इग्नोर कर देता है। व्यक्ति अप्रमाणिक जीवन जीने के कारण अंतःकरण
अंतःकरण की आवाज, क्यों उपेक्षा कर देता है? व्यक्ति अप्रामाणिक जीवन जीने के कारण इंट्यूशन की आवाज की उपेक्षा कर देता है। इस प्रकार ये कहा जाए, कुछ लोग अपने इंट्यूशन की आवाज को नहीं सुनते, लोग इंट्यूशन की आवाज को इग्नोर कर देते हैं। जब इंट्यूशन की आवाज को इग्नोर करते हैं, अर्थात उसकी आवाज को दबा देते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि मुझे अपने इंट्यूशन की आवाज सुनाई नहीं देती। जैसे पहली बार जब ड्रिंक करने जाते हो तो आपके इंट्यूशन रोकता है कि ड्रिंक करना गलत है, फिर भी हम ड्रिंक करते हैं। दूसरी बार ड्रिंक करते हैं, फिर इंट्यूशन रोकता है, लेकिन फिर भी ड्रिंक करते हैं। जब बार बार ऐसा करते हैं तो इंट्यूशन की आवाज पर हमारा मन, इच्छाएं हावी हो जाती हैं। और जब इंट्यूशन पर मेरी इच्छाएं हावी होगी तो इंट्यूशन की आवाज दब जाएगी। हमेशा ध्यान दो। फिर एक प्रश्न, यहां कुछ तरह के प्रश्न उठे। आप अंतःकरण की आवाज सुनने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? थर्ड पैरा, यह आवश्यक है कि क्या आवश्यक है? नंबर हम वन की बात करें, प्रामाणिक जीवन के प्रति सकारात्मक सोच और प्रामाणिक जीवन जीने की कोशिश करना। प्रामाणिक जीवन के प्रति सकारात्मक सोच एवं प्रामाणिक जीवन जीवन जीने की कोशिश करना। प्रामाणिक जीवन के प्रति सकारात्मक सोच एवं प्रामाणिक जीवन जीने की कोशिश करना, पहला पॉइंट। नंबर दो की बात करें, हमेशा अपने इंट्यूशन पर विश्वास करना कि और मान लेना आपका सबसे अच्छा दोस्त आपके इंट्यूशन है। विश्वास करना और मान लेना कि आपका सबसे अच्छा मित्र आपका इंट्यूशन है, आपका अंतःकरण है। अब सोचो, आप यदि अपने इंट्यूशन पे विश्वास करते हो तो यकीन करो आप इंट्यूशन की आवाज सुनोगे, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि आपका इंट्यूशन ही आपको विकास के पथ पर ले जाएगा। आपको ये पता चलेगा कि आपका इंट्यूशन ही आपको विकास के पथ पर ले जाएगा, अन्यथा कोई नहीं ले जाएगा। तो अपने अंतःकरण पर विश्वास करना और मान लेना कि आपका सबसे अच्छा मित्र आपका इंट्यूशन है। नंबर सी की बात करें हम लोग, नंबर सी, एकांत में बैठकर अपने आप से पूछना कि इंट्यूशन की आवाज को इग्नोर करने से आपने क्या खोया और क्या पाया। एकांत में बैठकर यह चिंतन करना कि अंतःकरण की आवाज उपेक्षा से आपने क्या खोया और क्या पाया। जब आप चिंतन करोगे तो आपको ये लगेगा कि जहां आपने इंट्यूशन की आवाज इग्नोर की वहां असफलता का रेशियो ज्यादा है,
और जहां आपने इंट्यूशन की आवाज सुनी वहां सफलता का रेशियो ज्यादा है। नंबर डी की बात करें, प्रत्येक व्यक्ति को विचार करना चाहिए उसके लिए नैतिक जीवन प्राथमिक है न कि भौतिक जीवन। और दुनिया के महान लोग जो महान बने हैं अंतःकरण की आवाज ने भूमिका निभाई। नंबर डी, हमेशा पूरी बात ध्यान दो, आप जैसा सोचते हो वैसा बन जाओगे। यह तभी संभव है जब आप इंट्यूशन की आवाज सुने। वैसा बन सकते हैं यह तभी संभव है जब आप अंतःकरण की आवाज सुने। दुनिया के महान लोग महान इसलिए बने हैं क्योंकि उन्होंने अपने इंट्यूशन की आवाज सुनी है। फॉर एग्जाम्पल, हम बुद्ध बन सकते हैं, हम महावीर स्वामी बन सकते हैं, सोचो आप, हम ईसा मसीह बन सकते हैं, हम मोहम्मद पैगंबर बन सकते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम इंट्यूशन की आवाज सुने, क्योंकि इंट्यूशन कभी झूठ नहीं बोलता। यह हमेशा ध्यान दो, इंट्यूशन कभी झूठ नहीं बोलता। अंतःकरण की आवाज व्यक्ति को सदैव नैतिक मार्ग की ओर ले जाती है। इसके लिए क्या करना होगा, इस विचार को प्रचारित करना होगा। आप जो सोचते हो, आप करोड़पति बनना चाहते हो तो बन सकते हो, पर आपको इंट्यूशन की आवाज सुननी होगी। आप दुनिया के महान खिलाड़ी बनना चाहते हो तो बन सकते हो, आप बुद्ध बनना चाहते हो तो बन सकते हो, लेकिन आपको इंट्यूशन की आवाज सुननी होगी। फॉर एग्जाम्पल, ठंड का मौसम है, आप सो रहे हो रजाई में, इंट्यूशन कहता है उठो जागो पढ़ो, मन कहता सो जाओ और कल पढ़ेंगे, इतनी मस्त नींद आ रही है। इंट्यूशन हमेशा आपको जगाता है, मन हमेशा सुला देता है। एक बात हमेशा ध्यान देना इस बात को, इंट्यूशन, आप गलत चिंतन करते तो इंट्यूशन कहता है आप गलत चिंतन कर रहे हो, मन कहता है चिंतन करो आनंद आ रहा है, तुम चिंतन करते हैं हमेशा। कई बार हम नकारात्मक चिंतन करते हैं, इंट्यूशन रोकता है मुझे, पर इंट्यूशन की आवाज को इग्नोर कर देते हैं। ये सब जैसा सोचते हैं वैसा बन नहीं पाते और दोष देते हैं किस्मत को, क्योंकि हम इंट्यूशन की आवाज सुनते ही नहीं। और एक सबसे बड़ी चीज तो ये है, हमेशा कि नैतिक शिक्षा दी जाए और नैतिक जीवन को प्राथमिक घोषित की जाए। और नैतिक जीवन को प्राथमिक घोषित किया जाए। हमेशा ध्यान दें इस बात को, इथिकल एजुकेशन दी जाए और नैतिक जीवन को प्राथमिक घोषित की जाए तो स्वाभाविक है लोग इंट्यूशन की आवाज सुनेंगे। ये सारी बातें करने के बाद अब हम निष्कर्ष की बात करेंगे, और निष्कर्ष में एक लाइन, फोर्थ पैरा, और हम सीधे कहेंगे अंतःकरण की आवाज व्यक्ति का बेहतरीन मार्गदर्शक होता है। व्यक्ति का बेहतरीन पथ प्रदर्शक होता है। और उसे गलत निर्णय से निर्णय लेने से
रोकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, किसी विचारक ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं वही करता हूं जो मैं सोचता हूं, मैं वही करता हूं जो मेरा इंट्यूशन कहता है। जब मैं डायलेमा में फंस जाता हूं तो एकांत में बैठ जाता हूं और अपने इंट्यूशन से पूछता हूं, और मैं अपने इंट्यूशन से पूछता हूं मुझे क्या करना चाहिए। हमेशा ध्यान दो, मुझे क्या करना चाहिए, तो आवाज आती है, और जो आवाज आती है मैं वैसा ही करता हूं। सबसे बड़ी चीज तो ये देखो आप, पर एक प्रश्न उठा, सबसे बड़ी चीज अगला क्वेश्चन देखो आप, आप न्याय को किस रूप में स्वीकार करना पसंद करेंगे। क्वेश्चन, न्याय को किस रूप में स्वीकार करना पसंद करेंगे। जब इस तरह का प्रश्न पूछा जाए, तो एक चीज ध्यान देना, आप सुख को किस रूप में स्वीकार करना पसंद करेंगे, आप शिक्षा के स्वरूप को किस रूप में स्वीकार करना पसंद करेंगे। कई बार इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है, तो आप क्या करोगे, आप फर्स्ट पैरे में क्या करोगे, आप न्याय का अर्थ बताओ। एक सामान्य अर्थ में न्याय जस्टिस का हिंदी रूपांतरण है, और जस्टिस बना जस से, जस का अर्थ होता है बांधना, अर्थात व्यक्ति को व्यक्ति से, व्यक्ति को समाज से, समाज को समुदाय से, समुदाय को देश से जोड़ दे, उसे कहते जस्टिस। सेकेंड पैरा में हम न्याय का रूप बताएंगे, सिंपल चीजें, ये न्याय है, हम सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, हमेशा ये बहुत सारे न्याय के रूप होते हैं। ये सारे बताने के बाद हम थर्ड पैरे में आएंगे, अब प्रश्न शुरू होता है, लेकिन कोशिश करना फर्स्ट और सेकेंड पैरा हार्डली 20 से 30 वर्ष में, यदि आपके पास समय का अभाव है, शब्द कम पढ़, सोचो कम लिखना है तो फिगर बनाओ, निकल जाओ आप, क्योंकि फिगर सब कुछ कह देता है, या एक डायग्राम बनाओ और निकल जाओ आप। अब थर्ड पैरा में अब न्याय को किस रूप में स्वीकार करना पसंद करेंगे, क्यों, तो ध्यान देने इस बात को, किस रूप में स्वीकार करना पसंद करेंगे। तो न्याय को हमेशा ध्यान दो, न्याय को निरूप स्वीकार करना पसंद करेंगे, किस रूप में। स्पेंसर की बात और रॉल्स की बात याद रखनी है, रॉल्स ने क्या कहा और स्पेंसर ने क्या कहा, समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को सबसे पहले और सबसे ज्यादा सहायता मिलनी चाहिए, समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को सबसे ज्यादा और सबसे पहले सहायता मिलनी चाहिए। यह न्याय का रूप है।
प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार विकास का अवसर मिलना चाहिए। क्षमता के अनुसार हमेशा ध्यान दें इस बात को, समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को सबसे ज्यादा और सबसे पहले सहायता मिलनी चाहिए। नंबर दो, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार विकास का अवसर मिलना चाहिए। नंबर सी की बात करें, अब न्याय का अर्थ क्या है, अब न्याय को किस रूप में, हम न्याय को सामाजिक न्याय के रूप में स्वीकार करते हैं जहां सभी तरह के भेदभाव का अभाव हो। सामाजिक न्याय के रूप में स्वीकार जहां सभी तरह के भेदभाव का अभाव हो, हमेशा और संसाधनों का न्यायोचित वितरण हो, संसाधनों का न्यायोचित वितरण हो। 1, 2 और 3 की बात करें, हम इस रूप में न्याय को स्वीकार करना चाहते हैं। नंबर 4 की बात करें हम लोग, यह बात स्पेंसर ने कही है, रॉल्स ने भी लगभग इसी तरह की बातें की हैं और रॉल्स से क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी। सोशल जस्टिस की बात तो करनी ही करनी है ताकि सोशल एम्पावरमेंट हो। अगली चीज देखो, हमेशा ऐसा समाज हो जहां कोई कुपोषित न हो, भूख का शिकार न हो। आर्थिक न्याय हो, बच्चों के सुकुमार अवस्था का हमेशा, देखो ऐसा समाज हो जहां कोई कुपोषित ना हो, आर्थिक न्याय हो, बच्चों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। एक बात हमेशा ध्यान दें इस बात को, ऐसा न्याय चाहिए मुझे। अगली चीज, मुझे ऐसा न्याय चाहिए, न्याय जहां जनता को प्रथम मानने की भावना हो, प्रशासन में संवेदनशीलता हो और जनता को प्रथम मानने की भावना। पहली चीज देखो आप, न्यायालय तक सभी की पहुंच सुनिश्चित हो, सभी की पहुंच सुनिश्चित हो, न्यायालय तक सभी की पहुंच सुनिश्चित हो, कानून का शासन हो, विधि का शासन हो। हमेशा ध्यान दो, और सबसे बड़ी चीज ये है, समावेशी विकास हो। समावेशी, हमेशा समावेशी विकास तथा सभी की संस्कृतियां सुरक्षित हों, हर कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, मल्टी कल्चरल की भावना। अंत में देखा जाए, भारतीय संविधान के संवैधानिक आदर्श पूर्णतः सुरक्षित हों,
संविधान के एवं लोकतांत्रिक मूल्य पूर्णतः सुरक्षित हों और उनका विकास हो, ऐसा न्याय का मतलब ये है। सोशल एम्पावरमेंट हो, एक दस कहा था गांधी का राम राज्य हो। न्यायपूर्ण समाज एक ऐसा समाज होता है जहां सभी का विकास होता है। हमेशा ध्यान दो, हम जब निष्कर्ष की बात करेंगे तो निष्कर्ष में एकदम गांधी जी की विचार की बात, अब हम निष्कर्ष की बात करेंगे चौथे पैरे में। और सीधे कहना है न्यायपूर्ण समाज ऐसा समाज होता है जहां सभी का विकास होता है और लोग दूसरों को जलाने के लिए जीने की बात करते हैं। को जीवित रखने के लिए जीने की बात करते हैं, ऐसा समाज चाहिए मुझे। हमेशा न्यायपूर्ण समाज ऐसा समाज होता है जहां सभी का विकास होता है और लोग दूसरों को जीवित रखने के लिए जीने की बात करते हैं। तीन थ्योरी है, जियो और जीने दो। दूसरी चीज आत्मलाभ के लिए आत्मत्याग, और तीसरी चीज दूसरों को जलाने के लिए जीवित रखना। एक तरह से ऐसा न्याय का मतलब है सर्वोदयी विकास हो। जितनी अच्छी अच्छी बातें सारी बातें क्या कर दो आप, इसमें शामिल कर दो आप। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन देखो आप, विकास के लिए अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण आवश्यक है। भूमि अधिग्रहण आवश्यक है। अधिग्रहण को नैतिक कैसे बनाया जा सकता है? भूमि अधिग्रहण को नैतिक कैसे बनाया जा सकता है? नैतिक बनाने के लिए उचित उपाय सुझाएं। हमेशा ध्यान देने इस बात को, विकास के लिए भूमि अधिग्रहण आवश्यक है। भूमि अधिग्रहण को नैतिक बनाने के लिए उचित उपाय बताएं। आप करोगे क्या फर्स्ट पैरे में? विकास के लिए भूमि अधिग्रहण आवश्यक है। के लिए भूमि अधिग्रहण आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? पहली बात,
ध्यान दो, भूमि अधिग्रहण होगा तो आधार वो संरचना का विकास, इसका होगा तो विकास होगा, भूमि अधिग्रहण होगा शहरीकरण होगा, शहरीकरण होगा तो विकास होगा। हमेशा ये कहा जाता है भूमि अधिग्रहण होगा तो बांध का निर्माण, बांध का निर्माण होगा तो बिजली का उत्पादन एवं सिंचाई सुविधा का विकास होगा, भूमि अधिग्रहण होगा तो खनन होगा। ये आप पॉइंट में लिख लोगे आप, मैं बस हिंट कर रहा हूं आपको कि भूमि अधिग्रहण से आधारभूत संरचना का विकास होता है, शहरीकरण विकास, डैम बनेगा, बिजली का उत्पादन, सिंचाई सुविधा का विकास, खनन कार्य होगा। सिंपल चीज है। अब प्रश्न ये है भूमि अधिग्रहण को नैतिक कैसे बनाया जाए। सेकेंड पैरा, नैतिक बनाने के लिए उचित उपाय बताएं। भूमि अधिग्रहण को नैतिक बनाने के लिए आप उचित उपाय बताएं। देखो आप सेकेंड पैरा, उचित उपाय क्या है भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाया जाए। फर्स्ट, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाया जाए। अब हमेशा ध्यान दो इस बात को, भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रोसेस को डेमोक्रेटिक बना दिया जाए। इसके लिए क्या करना होगा, दो काम करना होगा इसके लिए, एक लोगों की सहमति, कि जिसका जमीन ले रहे हो उसकी असहमति को अनिवार्य कर दिया जाए, पहली बात। और दूसरी चीज, उचित मुआवजा। और तीसरी चीज, सार्वजनिक हित के लिए अधिग्रहण। ये तीन बातें करनी होगी, लोगों की सहमत को अनिवार्य कर दिया जाए, उचित मुआवजा और सार्वजनिक हित के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाए। हम नंबर दो की बात करें, प्रभावित लोगों की आजीविका और भविष्य सुरक्षित किया जाए। हमेशा ध्यान दो इस बात को, प्रभावित लोगों की आजीविका एवं भविष्य सुरक्षित किया जाए। इसके लिए क्या करना होगा, पहली बात ध्यान दो इस बात को, इसके लिए जमीन की उचित कीमत, जमीन की उचित कीमत या उचित किराया दिया जाए। प्रोजेक्ट में शेयर होल्डर बनाया जाए, उनको शेयर होल्डर बना दो प्रोजेक्ट में। ध्यान दो, जमीन की उचित कीमत या उचित किराया दिया जाए, प्रोजेक्ट में शेयर होल्डर बना, जैसे जापान में होता है, जैसे जापान, कनाडा, ब्राजील में ऐसे ही होता है,
कि जिसकी जमीन ली जाती है उसे प्रोजेक्ट में शेयर होल्डर बना दिया जाता है ताकि लाभ का एक हिस्सा उसके पास जाता रहे। तीसरी चीज किया जाए कि प्रभावित लोगों को हमेशा ध्यान दो इस बात को, रोजगार में वरीयता दी जाए। इसका मतलब है यदि उस एरिया में कोई प्रोजेक्ट बनता है तो पहली प्रायोरिटी वहां के लोगों को दिया जाए जो लोग उससे प्रभावित हैं, अन्यथा नहीं। हम तीसरी चीज बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को, नंबर तीन यदि जनजातियों की जमीन का अधिग्रहण किया जाता है तो क्या क्या किया जाए? उचित अनुपात में जमीन उपलब्ध कराया जाए, जैसा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम में किया जा रहा है। दूसरी चीज, समान भौगोलिक परिस्थिति में उन्हें बसाया जाए। हमेशा ध्यान दो, समान भौगोलिक परिस्थिति में बसाया जाए उन्हें, समान भौगोलिक परिस्थिति में बसाया जाए ताकि उनकी संस्कृति सुरक्षित रहे। और तीसरी चीज ये कहा जाए, जनजातियों के संरक्षण को विशेष प्रोत्साहन। हम विशेष प्रोत्साहन की बात करें, यदि जनजातियों की जमीन अधिग्रहित की जाती है तो हमेशा ध्यान दो इस बात को, नंबर चार की बात करें, कैसे उसे नैतिक बनाया जा सकता है। अधिग्रहण करते समय सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन ऐसे अनिवार्य बना दिया जाए। सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन किया जाए। हमेशा ध्यान दो, अधिग्रहण करते समय सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन किया जाए। ताकि पर्यावरण को क्षति न पहुंचे। नंबर पांच की हम बात करें, हम कैसे नैतिक बना सकते हैं। चीज ये, यदि अधिग्रहण आवश्यक हो तो विकल्प को तैयार करना चाहिए, हमेशा एक विकल्प हो। प्रभावित लोगों को
शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास की मुफ्त व्यवस्था, अंत में बात करें पुनर्वास नीति का बेहतरीन क्रियान्वयन। नीति का बेहतरीन क्रियान्वयन इसके लिए क्या करना होगा? प्रशासन को जवाबदेह बनाना होगा। हमेशा ध्यान दो, पुनर्वास नीति का बेहतरीन क्रियान्वयन करना होगा, इसके लिए प्रशासन को जवाबदेह बनाना होगा, जवाबदेह बनाना होगा, पहली चीज। दूसरा काम क्या करना होगा कि सोशल ऑडिट की व्यवस्था की जाए। और तीसरी चीज क्या होना चाहिए, जब सोशल ऑडिट की व्यवस्था होगी तो प्रशासक क्या होगा? हमेशा प्रशासक क्या होगा कि जवाबदेह बने रहने की कोशिश करेगा। अंत में देखा जाए कि प्रभावित व्यक्ति प्रशासक के बीच इंट्रैक्शन हो। एवं के बीच अंतर क्रिया हो। इंट्रैक्शन हो। ये है उचित उपाय। पुनर्वास नीति का बेहतरीन क्रियान्वयन कराने के लिए प्रशासन को जवाबदेह बनाना होगा, सोशल ऑडिट की व्यवस्था करनी होगी, प्रभावित व्यक्ति प्रशासक के बीच इंट्रैक्शन होना चाहिए, तब हमारा ये अधिग्रहण की जो नीति होगी वह नैतिक होगी। ये सारी बातें करने की बात हम थर्ड पेरे में आएंगे और निष्कर्ष की बात करेंगे। हमेशा थर्ड में हम सीधे ये कहेंगे अधिग्रहण को नैतिक बनाए बिना समाज और राष्ट्र, समाज की एकता और राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। अधिग्रहण को नैतिक बनाए बिना समाज का विकास और राष्ट्र की एकता संभव नहीं है। बस ये हमारा निष्कर्ष में चलेगा, हमारा आंसर क्लोज। इस रूप में हमारा आंसर चलेगा, एक चीज देखो, आप आपको बहुत कुछ आता है पर मुझे हर बार टू द पॉइंट कहनी है, हर बार टू द पॉइंट कहनी है। ये है क्योंकि 1 2 3 इतनी बातें कहनी है मुझे। अगला क्वेश्चन देखो आप, मीडिया एथिक्स क्या है? अगला क्वेश्चन देखो आप, मीडिया एथिक्स क्या है? का अभिप्राय क्या है? मीडिया एथिक्स का अभिप्राय क्या है? मीडिया में नैतिकता के समावेशन के लिए आप क्या सुझाव देना पसंद करेंगे? मीडिया में नैतिकता के समावेशन के लिए क्या
क्या सुझाव देना? पसंद करेंगे। एक चीज ध्यान दो इस बात को, अब सबसे पहले मीडिया एथिक्स की मीनिंग बताओगे और एग्जांपल के साथ बताना है। एग्जांपल को आप फिगर के द्वारा बता दोगे आप, जैसे हम फर्स्ट पहरे में हम मीडिया एथिक्स की बात करते हैं। ध्यान देने इस बात को, हम फर्स्ट पहरे में हम मीडिया एथिक्स की बात करते हैं। और जब हम मीडिया एथिक्स की बात करेंगे फर्स्ट पहरे में, तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग बताएंगे। सूचनाओं का निष्पक्ष विश्लेषण तथा हमेशा ध्यान दो इस बात को, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होना। सूचनाओं का निष्पक्ष विश्लेषण तथा संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, इसे कहते हैं मीडिया एथिक्स। आप यहां तुरंत एग्जांपल बता दो आप, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि जाति लैंगिक भेदभाव का विरोध, आप इसको इस तरह तोड़ दो आप, ये मीडिया एथिक्स की बात करें हम लोग। जैसे हम मीडिया एथिक्स की बात करते हैं, भेदभाव का विरोध ये मीडिया एथिक्स है। सूचनाओं का निष्पक्ष विश्लेषण, ये मीडिया एथिक्स है। सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहन, धर्मनिरपेक्ष मूल्य को प्रोत्साहन, हमेशा ये मीडिया एथिक्स है। सबसे बड़ी चीज ये मीडिया एथिक्स की बात करें, मीडिया का मैनेज ना होना, यह मीडिया एथिक्स है। पीत पत्रकारिता का विरोध, यह मीडिया एथिक्स है। हमेशा ध्यान दो, ये मीडिया एथिक्स है। पीत पत्रकारिता का विरोध, मीडिया का मैनेज ना होना, इन मूल्यों के प्रति, इन मूल्यों को प्रमोट करना। और हमेशा ये कहा जाता है कि निरंकुशता का निरंतर विरोध करना, ये एथिक्स है, मीडिया एथिक्स। ये आप फिगर बनाने के बाद अब सेकेंड पैरे में आओगे। अच्छा, जो मीनिंग बताओगे एग्जाम्पल के साथ बताते चले जाना है। कई बार यूपीएससी इसी प्रश्न को पलट देगा, जैसे अब हम बात करेंगे सेकेंड पैरे में आएंगे और सेकेंड पैरे में ये बताएंगे हम लोग, मीडिया में नैतिकता के समावेशन के लिए आप क्या सुझाव देना पसंद करेंगे। मीडिया में नैतिकता के समावेशन के लिए आप क्या सुझाव देना पसंद करेंगे, यही प्रश्न है।
समावेशन के लिए सुझाव क्या है? हमेशा ध्यान दो इस बात को, हम जब सुझाव की बात करेंगे तो तीन बातें करेंगे। मीडिया स्तर पर, दूसरी चीज प्रशासनिक स्तर पर, और तीसरी चीज राजनीतिक स्तर पर क्या होना चाहिए। जब मीडिया स्तर की बात करेंगे तो अनैतिक पत्रकारों का मीडिया जगत द्वारा बहिष्कार, हमेशा ध्यान दो, अनैतिक जो पत्रकार हैं मीडिया स्तर पर क्या सुझाव, ताकि मीडिया में नैतिकता का समावेश हो, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? जब हम सुझाव की बात करेंगे तो मीडिया स्तर पर क्या होना चाहिए? फर्स्ट, अनैतिक पत्रकारों का मीडिया जगत द्वारा बहिष्कार, हमेशा, और नैतिक जो पत्रकार हैं उनको सम्मानित करना। हम पत्रकारों को सम्मान की बात करेंगे, ये मीडिया द्वारा बात करें हम लोग। हम दूसरी चीज बात करें, मीडिया स्वयं अपने पत्रकारों को बेस्ट अवार्ड दे, वो आप सम्मान की बात करो। आप हम दूसरी चीज, एक बड़ा सा इश्यू ये है, मीडिया जगत, मीडिया के जो लोग हैं, मीडिया जगत और समाज के बीच इंटरेक्शन होना चाहिए। ये स्वयं मीडिया स्वयं अपना मूल्यांकन करे, स्वयं का मूल्यांकन करना, तथा सामाजिक क्षति के प्रभाव का मूल्यांकन हो। तीसरी चीज, मीडिया में नैतिक मूल्यों के पतन पर बहस हो, हमेशा मीडिया में नैतिक मूल्यों के पतन पर बहस हो, कि मीडिया के कितना नैतिक पतन हो रहा है, यह मीडिया के द्वारा होना चाहिए। सबसे चीज यह है। अगली चीज, मीडिया जगत क्या करे कि पत्रकारिता का स्वयं विरोध करे, वो पीत पत्रकारिता का विरोध होना चाहिए। यह मीडिया स्तर पर, अनैतिक पत्रकारों का मीडिया जगत द्वारा बहिष्कार और नैतिक पत्रकारों का सम्मान, मीडिया द्वारा स्वयं का मूल्यांकन करना, तथा सामाजिक क्षति के प्रभाव का मूल्यांकन। तीसरे, मीडिया में नैतिक मूल्यों के पतन पर बहस हो, और चौथी बात, मीडिया द्वारा पीत पत्रकारिता का विरोध होना चाहिए। पीत पत्रकारिता का अर्थ क्या है? सूचनाओं को तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत करना, उसे कहते हैं पीत पत्रकारिता। जब सूचनाओं को तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है तो उसे ही कहा जाता है पीत पत्रकारिता। मीडिया स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर क्या होना चाहिए? प्रशासनिक स्तर पर हमेशा चीज, मीडिया प्रमाणन बोर्ड का गठन किया जाए,
ये मीडिया प्रमाणन बोर्ड का ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए हो जो अनैतिक समाचार या तस्वीर को फिल्टर कर दे, ये प्रशासनिक स्तर पर होना चाहिए, यह काम प्रशासन करेगा, मीडिया प्रमाणन बोर्ड का गठन हो। अगला, ऐसा सॉफ्टवेयर का विकास हो जो अनैतिक समाचार या तस्वीर को फिल्टर कर दे। हम तीसरी चीज बात करें, हमेशा गलत सूचना की यदि बात की जाए तो सबसे बड़ी चीज तो ये है, मीडिया के गलत सूचना से कानून व्यवस्था क्या प्रभाव पड़ता है, उससे यदि प्रभाव पड़ता है तो मुआवजा वसूलने का अधिकार हो। मीडिया द्वारा गलत सूचना देने से कानून व्यवस्था पर पढ़ने वाले प्रभावों के सापेक्ष मीडिया से मुआवजे का दावा किया जाए, यह प्रशासनिक स्तर पर होना चाहिए। तीन बातें, यदि मीडिया के गलत सूचना देने से सांप्रदायिक दंगे होते हैं, समाज में विघटन की स्थिति पैदा होती है, तो उसे लैंड ऑर्डर पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा उसके सापेक्ष मीडिया से मुआवजे का दावा किया जाए। और जो जो चैनल्स न्यूज को प्रमोट कर रहे हैं उन सारे चैनल से मुआवजे का दावा किया जाए, यह काम प्रशासक करेगा। यदि ऐसा हो गया तो मीडिया क्या करेगा, न्यूज चैनल क्या करेंगे। सबसे बड़ी चीज कि कोई भी न्यूज होगी तो उसकी सत्यता को प्रमाणित करने की कोशिश करेंगे, अनएथिकल न्यूज की सत्यता को प्रमाणित करने की कोशिश करेंगे, उसका परिणाम क्या होगा। अंत में देखो, नंबर राजनीतिक स्तर पर क्या होना चाहिए, राजनीतिक स्तर पर क्या होना चाहिए, हमेशा ध्यान दो इस बात को, राजनीतिक स्तर पर होना क्या चाहिए। हम सबसे पहले बात करें एक मीडिया के आचार संहिता का निर्माण हो जिसका उल्लंघन दंडनीय अपराध घोषित किया जाए। मीडिया आचार संहिता के उल्लंघन को दंडनीय अपराध घोषित किया जाए, यह काम राजनीतिक स्तर पर होना चाहिए, यह काम संसद करेगी। हमेशा संसद यह काम करना चाहिए। हम दूसरी चीज बात करें, फेक न्यूज को रोकने के लिए एक अधिनियम का निर्माण हो, फेक न्यूज को रोकने के लिए अधिनियम का निर्माण हो और अपराधियों को दंडित किया जाए। पूरी बात ध्यान देने इस बात को, फेक न्यूज को रोकने के लिए अधिनियम का निर्माण हो और अपराधियों को क्या किया जाए, दंडित किया जाए, एक ऐसा अधिनियम बनना चाहिए। तीसरी चीज, हमेशा यदि ऐसा कोई अधिनियम बन गया तो पूरी उम्मीद एक नैतिकता का समावेश हो जाए। हमेशा एक बड़ा सा रीजन देखो जरा आप, कि
विज्ञापनों की सत्यता की जांच को अनिवार्य बनाया जाए। विज्ञापन को प्रकाशित करने से पहले विज्ञापन को जांच को अनिवार्य बनाया जाए। हमेशा ध्यान दें इस बात को, विज्ञापन को प्रकाशित करने से पहले उसकी सत्यता की जांच को अनिवार्य बनाया जाए। यह राजनीतिक स्तर पर कानून बनना चाहिए। जब ऐसा कानून बनेगा तो स्वाभाविक है। अंत में हम बात करते हैं हमेशा कि मीडिया के मैनेज का, कि मीडिया मैनेज हो रही है या नहीं हो रही है। यदि मीडिया गलत न्यूज को छापती है तो सदन में आकर उसके जवाब देने के लिए बनाया जाए। यदि मीडिया मैनेज होती है या सूचनाओं का सही विश्लेषण नहीं करती है तो उस समाचार न्यूज चैनल मालिक को सदन में आकर सफाई देना अनिवार्य बनाया जाए। एक चीज ध्यान देने इस बात को, देखो आप, यदि मीडिया मैनेज होती है या सूचनाओं का सही विश्लेषण नहीं करती है तो उस समाचार चैनल के मालिक को सदन में आकर सफाई देना अनिवार्य बनाया जाए। यदि अनिवार्य बना दिया गया तो स्वाभाविक है मीडिया में नैतिकता का क्या होगा, समावेश होगा। ये सारी बातें करने के बाद अब अंतिम पैरे में आएंगे, निष्कर्ष में आएंगे और निष्कर्ष में इतनी बातें करेंगे हम लोग। निष्कर्ष थर्ड पैरा, हम निष्कर्ष में इतनी बातें करेंगे। वस्तुतः मीडिया में नैतिकता का समावेश लोकतंत्र को जीवंत कर देगा। मीडिया में लोकतंत्र को वस्तुतः मीडिया में नैतिकता का समावेश लोकतंत्र को जीवंत कर देता है। मीडिया में नैतिकता का समावेश लोकतंत्र को जीवंत कर देता है। ये बात ध्यान देने इस बात को, नैतिकता की अपेक्षा लोकतंत्र के पतन का कारण बन सकता है। इतनी बातें के लिखेंगे हमारा आंसर क्लोज हो जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान दो, ना तो टाइम है ना तो हम सबके पास शब्द है कि हम इतनी बातें लिख सकें। हर बात को टू द पॉइंट कहना हम लोगों को और सीधे आगे बढ़ जाना है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम सबको नहीं आता है। कई बार ऐसा होता है, आता तो बहुत कुछ है, हम क्या छोड़े और क्या लिखें। कभी कभी इस तरह की समस्या क्रिएट होती है। देखो आप अगला क्वेश्चन, देखो आप अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो आप, पर्यावरण नीति शास्त्र क्या है।
पर्यावरणिक नीति शास्त्र क्या है, लोग प्रकृति के प्रति संवेदनहीन क्यों हो गए हैं, लोग प्रकृति के प्रति संवेदनहीन क्यों होते जा रहे हैं। प्रश्न को देखो आप, पर्यावरणीय नीति शास्त्र क्या है। प्रश्न का अगला पार्ट है, लोग प्रकृति के प्रति संवेदनहीन क्यों हो गए हैं, अर्थात लोग प्रकृति का शोषण क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है, कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं जिससे लोग प्रकृति के प्रति इतनी ज्यादा संवेदनहीन होते जा रहे हैं। ये प्रश्न है जिसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।